फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि बुक वैल्यू के बेस पर कैसे हम शेयर का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और बुक वैल्यू क्या है, और दो कंपनी का हम कंपैरिजन भी करेंगे, कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा शेयर महंगा है। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम है श्रवण आर्या। सबसे पहले जानते हैं कि बुक वैल्यू होता क्या है। जैसे कि बुक वैल्यू का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि वो शेयर का रियल वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है। जैसे कि उसी तरह से बैलेंस शीट के टोटल एसेट में से आप टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, इक्विटी कैपिटल सिर्फ छोड़ देंगे, तो उसमें जो इक्विटी कैपिटल बचता है उससे अगर सारे शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दें, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, तो वो एक आदमी को जितना जाएगा उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। एक मतलब एग्जैक्ट सही वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से एक शेयर का क्या रेट है तो वो बुक वैल्यू बताता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि दो शेयर कंपेयर करूँगा, उसमें से देखेंगे कि कौन सा शेयर सस्ता है। इसमें चार्ट मैंने screener.in से लिया हुआ है। अब हम बुक वैल्यू के बेस पर देखेंगे कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा शेयर महंगा है। जैसे कि हम पहला शेयर लेते हैं हम डीमार्ट का, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स। इसका देखिए बुक वैल्यू है 89.64 और इसका करंट प्राइस देखिए है 1254 और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू होता है 13.99। वैसे ही हम अभी दूसरा कंपनी लेते हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, सेम सेक्टर का कंपनी। इसका बुक वैल्यू देखो 61.61 होता है और करंट प्राइस इसका है 430.65 और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू हो रहा है 6.99। अब हम जानते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू आता कैसे है। जैसे कि फ्यूचर रिटेल लेने में जैसे कि प्राइस दिया हुआ था, देखो ना CMP प्राइस टू बुक वैल्यू, हमारा फॉर्मूला CMP डिवाइड बाय बुक वैल्यू। जैसे कि इसका फ्यूचर रिटेल में का देखा आपने चार्ट में देखा था 430.65 इसका रेट था और इसका बुक वैल्यू था 61.61। इसका देखो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है 6.99। और देखो एवेन्यू सुपर मार्ट का देखिए करंट मार्केट प्राइस जो CMP और बुक डिवाइड बाय बुक वैल्यू करेंगे तो 1254 डिवाइड बाई 89.64 होता है, जैसे इसमें चार्ट में दिया गया था 13.99। इस तरह से आंसर आता है। नॉर्मल देखिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की किताब में जैसे कि बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि कोई भी बुक वैल्यू डेढ़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए एवेन्यू सुपर मार्ट का देखिए 13.99 है तो बहुत ही महंगा है और फ्यूचर रिलेटेड का देखिए 6.99 है जो कि कम है, तो फ्यूचर रिटेल एक तरह से सस्ता होता है। तो सिर्फ बुक वैल्यू कम है उसके बेस पर ही आप डायरेक्टली कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हो। इसका एक एक अलग अलग पॉइंट मैं आपको अलग अलग अपने वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो फ्यूचर रिटेल का बहुत सारा परसेंटेज ऑफ शेयर इन्होंने रिप्लेस करके रखा हुआ है कंपनी के ओनर ने, इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।